दोस्तों हाल ही में मैंने पेंगुइन फिल्म देखा है और आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी को जानेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब भी आप में से 50% ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। मोर ओवर हम 2 मिलियन के काफी करीब हैं, तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो फिल्म के ओपनिंग सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि चार्ली चैपलिन का मास्क लगाए हुए था। यहाँ वो एक बच्चे को बेरहमी से मारकर उसकी लाश को बैग में लेकर सामने की एक लेक की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे उस लेक के अंदर ही डूब जाता है। इसी के साथ रिदम नामक लड़की की आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि ये सब बस रिदम का नाइटमेयर था। इसके बाद हमें रिदम के फैमिली मेंबर्स वगैरह से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि रिदम का गौतम नाम का हस्बैंड है, देन भावना और एबी नाम की दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड साइरस नाम का एक पेट डॉग है। रिदम फिलहाल प्रेग्नेंट है और अभी उसका 7वां महीना चल रहा है। रूटीन चेकअप के लिए आज वो हॉस्पिटल आती है और यहाँ बैठे बैठे वो 6 साल पहले की बात को याद करने लगती है और यहाँ से मूवी की कहानी फ्लैशबैक में 6 साल पहले जाती है। यहाँ हमें पता चलता है कि 6 साल पहले रिदम का अजय नाम का एक बच्चा हुआ करता था और रिदम अपने बेटे को एक पेंगुइन की स्टोरी सुना रही थी कि तभी यहाँ रिदम का पहला हस्बैंड रघु आता है और उसे बताता है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड भावना के फादर की मौत हो गई है। वो दोनों भावना के घर जाते और भावना से बात करते हैं, लेकिन इसी बीच अजय यहाँ से कहीं गायब हो जाता है। ऐसे में रिदम पैनिक करती है और सभी लोग अजय को ढूंढने लगते हैं। फाइनली अजय घर के ही बाहर एक जगह पर मिल जाता है और यहाँ से कहानी अगेन प्रेजेंट में आती है। सो प्रेजेंट में रिदम को अपने सामने एक बीहाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, जिसे देखकर वो परेशान सी हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, वेल वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। खैर, रिदम की टर्न आती है और डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं, जहां उसे समझाते हैं कि उसके पैनिक होने की वजह से उसके बच्चे पर भी असर पड़ सकता है। डॉक्टर रिदम को किसी भी ऐसी चीज से दूर रहने के लिए बोलते हैं जिससे रिदम को पैनिक का सेंसेशन हो। वेल यहाँ से निकलकर रिदम को रास्ते में वेस्ट लेक दिखाई देता है और इसे देखते ही 6 साल पहले का एक और फ्लैशबैक स्टार्ट हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि रिदम अपने बेटे अजय को स्कूल पिक करने जाती है, जहाँ उसे अजय की क्लास में बताती है कि अभी थोड़ी देर पहले ही एक मास्क पहना हुआ इंसान यहाँ आकर अजय को अपने साथ ले गया। रिदम घबरा कर पुलिस को कॉल करती है और काफी खोजबीन के बाद पुलिस को जंगल के पास ही एक बूके पड़ा हुआ मिलता है, जिसके आस पास बहुत सारी मक्खियां भिनभिना रही थी। नाउ इस बूके के पास लिखा था RIP यानी कि रेस्ट इन पीस। ये सब देखकर रिदम घबरा जाती है और चक्कर खाकर गिर जाती है। एंड सिंस देन रिदम को मक्खियों से एलर्जी है। वेल इसी तरह अजय को ढूंढते हुए 1 साल का समय निकल जाता है और इसी बीच पुलिस और रिदम लगातार अजय को खोजने में लगे हुए थे। रिदम तो खुद डेली अजय के मिसिंग होने के पैम्पलेट्स राह चलते लोगों में बांटा करती थी। इसी तरह एक दिन पुलिस को अजय का कुछ सामान जंगल में मिलता है, जैसे उसके शूज, उसके कोट इत्यादि, और इन सब पे खून लगा हुआ था। इससे इंस्पेक्टर कंक्लूड करता है कि अजय अब इस दुनिया में नहीं है। वो ये बात रिदम को बताता है और इसके बाद रिदम डिप्रेशन में चली जाती है। नाउ यहां से कहानी वापस प्रेजेंट में आता है, जहां हम रिदम को उसी लेक के सामने खड़ा हुआ देखते हैं एंड हमें पता चलता है कि रिदम यहां हर साल आती है इस होप में कि शायद एक दिन उसे अपना बेटा यहीं पे वापस मिल जाए। तभी अचानक रिदम को यहां एक वुंडेड मैन दिखता है, जो कि रिदम को देखते ही पैनिक होकर बड़बड़ाने लगता है। वो कुछ इस तरह की बातें कर रहा था, लाइक वो फिर से आ गया, मैंने उसका फेस देख लिया है, मैंने उसे उस बच्चे को किडनैप करते हुए देख लिया है इत्यादि। अब यहाँ ये बंदा कुछ बोल ही रहा था कि तभी एज एन ऑडियंस हम वहाँ दूर पर ही उस मास्क पहने हुए इंसान को देखते हैं, जो कि इसी तरफ बढ़ता चला आ रहा था। ये वुंडेड मैन यानी कि जख्मी इंसान रिदम को अपना मोबाइल फोन देते हुए कहता है कि इस फोन में उस मास्क मैन की रियल आइडेंटिटी है, इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ। रिदम फौरन ये फोन लेकर यहाँ से भाग जाती है, जिसके बाद वो मास्क मैन उस वुंडेड इंसान को जान से मार देता है। यहाँ रिदम थोड़ी दूर पर ही पहुंचती है कि उसके फोन की बेल रिंग होने लगती है, जिससे घबरा कर वो अपने हाथ में रखे उस डैमेज्ड फोन को कहीं गिरा देती है और जल्दी से अपनी कार में आ जाती है। रिदम डर के मारे अपनी कार कीज को गिरा देती है और वहां बाहर हम उस मास्क मैन को कार के एकदम क्लोज आते हुए देखते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली रिदम अपनी कार स्टार्ट करके यहाँ से भाग जाती है और रास्ते में एक पुलिस चेक पोस्ट पर खड़े पुलिस ऑफिसर को ये सारी बातें बता देती है। तो इन बातों का पता लगने के बाद कुछ ऑफिसर्स उस लेक के पास चले जाते हैं और यहाँ रिदम को पता चलता है कि पिछले 6 महीने में इस एरिया में कई किडनैपिंग केसेस आए हैं और अभी रिसेंटली ही अनजाना नाम की एक बच्ची भी किडनैप हुई है। अब यहाँ से वापस लौटते वक्त रिदम जब उसी लेक के पास से गुजर रही होती है, तब उसकी कार के सामने एक बच्चा आ जाता है एंड सरप्राइजिंगली ये उसका अपना ही बेटा अजय था। जी हाँ, ये अजय ही था जो कि आज से 6 साल बाद अपने आप ही वापस आ गया था। खैर, अगले सीन में हम रिदम को अजय
अजय के साथ हॉस्पिटल में डॉक्टर डेविड के पास देखते हैं, जहां डेविड अजय का चेकअप करता है। और वहीं दूसरी तरफ अंजना की मदर यहां अजय से बात करने के लिए आई थी, ताकि वो अंजना के केस में उससे कुछ हेल्प ले सके। बट ऑब्वियसली अजय अभी शॉक स्टेट में था, तो वो किसी से बात करने की हालत में नहीं था। थोड़ी देर बाद यहां रघु यानी अजय के फादर भी आते हैं, और डॉक्टर उन दोनों को बताते हैं कि अजय को कई दिनों तक टाई अप करके रखा गया है और उसके साथ जानवरों जैसा बर्ताव किया गया है। अब इतने समय तक टॉर्चर को झेलना प्लस इंसानों से दूर रहने की वजह से अजय सोशलाइज करने से भी डर रहा है। अब यहाँ एक फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि जब अजय गायब हुआ था, तब रघु ने सारा इल्जाम रिदम पर डाल दिया था, एंड सिंस रिदम डिप्रेस रहने लग गई थी, इसलिए रघु ने उसे डिवोर्स दे दिया था। इस सब इंसिडेंट के बाद ही गौतम रिदम के लाइफ में आया। एनीवेज, प्रेजेंट में हम देखते हैं कि रिदम अपने बेटे को घर ले आई है, जिसके बाद उसे रात को वही नाइट में आने लगता है, जहां वो अपने आप को उसी लेक के पास देखती है, जहां वो मास्क पहना इंसान, रिदम का पेट डॉग और अजय खड़े होते हैं। ये नाइट में देखकर रिदम घबरा कर उठ जाती है, और तभी उसे अजय के रूम से कुछ साउंड आती है, एज इफ अजय कुछ हमिंग कर रहा हो। रूम में जाते ही अजय चुप हो जाता है, और यहाँ रिदम नोटिस करती है कि अजय कुछ अजीब सी ड्रॉइंग्स बना रहा था। तो नेक्स्ट डे डॉक्टर डेविड के पास रिदम अजय के बारे में सब कुछ बताती है, लाइक लास्ट नाइट वो कुछ हमिंग वगैरह कर रहा था, देन कुछ ड्रॉइंग्स वगैरह किया इत्यादि। डॉक्टर डेविड बताते हैं कि अजय के माइंड में जो कुछ भी चल रहा है, वही उसने ड्रॉइंग्स वगैरह में बनाया था। अब डॉक्टर रिदम से कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब अजय वो पोएम गाए या कुछ भी बोले, तो उसे रिकॉर्ड कर लेना। तभी रघु बाहर से रिदम को कॉल करता है और उसे मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि वो कुछ दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन जा रहा था, और वो रिदम से अजय को भी अपने साथ लाने की रिक्वेस्ट करता है। थोड़ी देर में रिदम अजय को लेकर रघु से मिलने एक रेस्टोरेंट में चली जाती है, जहां आइसक्रीम खाते वक्त अजय किसी को अचानक ही घूरने लगता है। ये देखते ही रिदम अपना फोन निकाल लेती है, देन उसका फ्रंट कैमरा ऑन करके अपने पीछे दो लोगों को बैठा हुआ देखती है, जो कि कुछ सेकंड्स में उठकर वहां से बाहर चले जाते हैं। रिदम उनमें से एक कोट वाले पर्सन को फॉलो करती है, जो कि दरअसल एक लेडी थी जो अपने बच्चों से मिलने गई थी। इसके जैसे ही रिदम अपने टेबल पे वापस आती है, उसे वहां एक एनवेलप रखा हुआ मिलता है, जिस पे रेस्ट इन पीस लिखा हुआ था। ये देखकर रिदम फौरन बाहर जाती है और उस दूसरे कोट वाले पर्सन को खोजने लगती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही चार्ली चैपलिन मास्क वाला आदमी था। रिदम उसे फॉलो करने वाली ही थी कि तभी रघु यहाँ आ जाता है, और ठीक इसी समय अजय उसका हाथ छोड़कर यहाँ से भागने लगता है। रिदम फौरन अपने कुत्ते साइरस को आवाज लगाती है और उसे अजय को फाइंड आउट करने के लिए ऑर्डर करती है। साइरस एक डायरेक्शन में भागने लगता है और रघु भी उसके पीछे जाता है, जहां एक सुनसान रोड पर रघु को अजय रोड के बीचों बीच खड़ा हुआ दिख जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिदम उस एनवेलप को ओपन करती है, जिसमें उसे गौतम के कई सारे इमेजेस मिलते हैं। इन इमेजेस में गौतम के साथ एक अननोन लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर रघु उस पर शक करने लगता है, बट रिदम इंश्योर्स कि गौतम ऐसा इंसान नहीं है। तो नेक्स्ट सीन में रघु अजय को लेकर उसी लोकेशन पे जाता है जहां रिदम को अजय मिला था। यहाँ थोड़ी दूर जाने के बाद अजय आगे नहीं जाता है, और ये देखकर रघु कहता है कि उसका ऐसा मानना है कि अजय आगे इस वजह से नहीं जा रहा है क्योंकि वो किसी से डर रहा है, बल्कि दरअसल वो इसलिए आगे नहीं जा रहा क्योंकि वो उस किडनैपर के सपोर्ट में है। लॉजिकली देखा जाए तो वो अपने पेरेंट्स के साथ बस 2 साल ही रहा था, वेयरएज वो उस किडनैपर के साथ 4 साल रहा है। यहाँ रघु और रिदम आपस में बात कर रहे थे कि तभी वहां अजय एक स्क्रू ड्राइवर से ड्राइवर पे अटैक कर देता है। रघु अजय को डांट कर उसके हाथ से वो स्क्रू ड्राइवर फेंक देता है, जिससे अचानक वहां काफी सारी फ्लाइज आ जाती हैं, जिन्हें देखकर रिदम फेंट होकर गिर जाती है। बेहोशी की हालत में रिदम को फिर से वही नाइट में आता है, जहां वो उस मास्क मैन को देखती है। जब रिदम की आंख खुलती है, तब वो अपने घर पर सेफली आ चुकी थी, रघु उसे यहां लेकर आया था। नाउ उसी रात अजय अपने हाथ में एक ग्लास पीस लेकर रिदम को जान से मारने आता है, लेकिन ये बस रिदम का एक बुरा सपना था। वो नींद से उठती है और उसे अजय के रूम से फिर से कुछ साउंड्स आती है। रूम में जाने पर वो देखती है कि अजय टीवी को घूर रहा था, जो कि ऑन भी नहीं था। तभी रिदम की सांसें अटक जाती है, जब वो देखती है कि विंडो पे वही मास्क पहना हुआ इंसान खड़ा था और उसकी रिफ्लेक्शन यहाँ टीवी पे आ रही थी, इसीलिए अजय इसे घूरे जा रहा था। ऐसे सिचुएशन में रिदम रूम में ही छिप जाती है। वो मास्क इंसान अंदर एंटर करता है और अजय से इशारे में कुछ बात करने लगता है। मौका देखकर रिदम उस पे अटैक कर देती है, जिससे उसका मास्क गिर जाता है, लेकिन वो जल्दी यहाँ से भाग जाता है और रिदम उसका फेस नहीं देख पाती। रिदम ये सारी बातें रघु, डॉक्टर डेविड और बाकी लोगों से शेयर करती है, जैसे अपने फ्रेंड से। और यहाँ रघु एबी से उसके हस्बैंड काथिर के बारे में पूछता है, जिसपे एबी बताती है कि काथिर किसी बिजनेस ट्रिप पर गया है। खैर, नेक्स्ट डे जब रिदम और गौतम डॉक्टर से मिलने के लिए जा रहे होते हैं, तब उन्हें अंजना की मदर बेहोश मिलती है। गौतम अंजना की मदर को हॉस्पिटल जाने लगता है और रिदम को वापस जाने के लिए कहता है। जब रिदम कार में वापस आती है, तब उसे यहाँ साइरस दिखाई नहीं देता। वो साइरस को बाहर एक गार्बेज बैग के पास पाती है, जहाँ उसे गार्बेज में किसी के बाल और क्लोथ पीसेस मिलते हैं।
रिदम साइरस को फॉलो करती है जो कि एक घर के बाहर आकर रुकता है और ये घर डॉक्टर डेविड का था। अब रिदम कार खराब होने का बहाना बनाकर घर के अंदर एंटर करती है और डेविड को साइरस को बाहर घुमाने का रिक्वेस्ट करती है। जैसे ही डेविड बाहर आता है, रिदम घर के अंदर खोजबीन करते हुए एक आलमीरा को ओपन करती है जो कि एक आलमीरा नहीं बल्कि एक सीक्रेट डोर था। जी हाँ, यहाँ पीछे एक शेडी सा रूम था जहाँ उस आदमी की लाश रखी हुई थी जिसे उस दिन रिदम ने उस लेक के पास वुंडेड यानी कि चोटिल हालत में देखा था। नाउ सरप्राइजिंगली यहाँ उसे अनजाना भी बेहोश हालत में मिल जाती है, जिसके बाद डेविड जैसे ही आता है रिदम और उसमें हाथापाई होती है एंड समहाउ रिदम उसे बांध देती है, जिसके बाद पुलिस यहाँ आकर डेविड को अरेस्ट कर लेती है। पूछताछ में डॉक्टर डेविड बताता है कि उसने आज तक कई बच्चों को किडनैप किया था जहां वो इन बच्चों के ऑर्गन्स वगैरह निकाल कर उन्हें बेच दिया करता था और बाकी की लाश को पीसेज में कट करके एसिड में डिजोल्व कर देता था, लेकिन यहाँ उसने रिदम के बेटे अजय को किडनैप नहीं किया था। तो इसके बाद जब रिदम वापस से हॉस्पिटल जाती है तब उसे वहां गौतम जख्मी हालत में मिलता है जो कि रिदम को बताता है कि उस पर एक मास्क पहने हुए इंसान ने अटैक किया था और वो कोई मेल नहीं बल्कि एक फीमेल है। ये सब सुनकर अचानक रिदम को याद आता है कि कस्टडी में डेविड ने उसे ये बताया था कि असली कल्प्रिट रिदम का कोई करीबी है। रिदम को अजय की ड्रॉइंग्स भी याद आती है जिसमें उसने कल्प्रिट के लेफ्ट हैंड में वेपन्स वगैरह बनाए थे, जिसका मतलब कल्प्रिट लेफ्टी है। ये सारी बातें एक ही इंसान की तरफ इशारा कर रही थी और वो और कोई नहीं बल्कि भावना ही थी। जी हाँ, यहाँ से रिदम भावना के घर जाती है जहाँ भावना अजय को किडनैप कर चुकी थी और रिदम को एक ड्रिंक देते हुए उसे इसे पी लेने के लिए कहती है, जिसके बाद ही वो उसे अजय के बारे में बताएगी। रिदम बिना कुछ सोचे समझे वो ड्रिंक पी लेती है, जिसके बाद भावना अपनी कहानी सुनाती है। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। तो इस फ्लैशबैक में हमें ये पता चलता है कि बचपन से ही भावना को उसके पेरेंट्स रिदम से कंपेयर करते आ रहे थे, जो कि बड़े होते होते जेलसी एंड देन एक सीरियस साइकोलॉजिकल इशू में बदल गया। मोरओवर रघु भावना का क्रश था जिससे रिदम ने शादी कर ली थी। एज ए रिवेंज उसने रिदम के बेटे अजय को उससे दूर कर दिया। अब एक दिन काथिर जब भावना के घर गया तो उसे ये बात पता चल गई थी कि भावना ने ही अजय को किडनैप कर रखा था, इसीलिए भावना ने उसे जान से मार दिया और इसी बीच अजय वहां से भाग निकला था। अब प्रेजेंट में साइको भावना रिदम को बताती है कि उसके पास सिर्फ एक घंटा है क्योंकि उसने जो ड्रिंक पी है उसमें जहर था जो कि एक घंटे बाद असर दिखाएगा। इतना कहकर वो अजय का पता बताए बिना ही खुद को शूट कर लेती है। बट फॉर्चुनेटली साइरस अजय को ढूंढ निकालता है, लेकिन इस वक्त तक रिदम पे जहर असर करने लग गया था। इस पॉइंट पे अजय पहली बार फिल्म में बोलता है और वो रिदम को अपनी माँ बुलाता है। देन वो बाहर भागता है और हेल्प खोजता है। तो इसके बाद रिदम को हॉस्पिटलाइज कर दिया जाता है और हमें पता चलता है कि पॉइजन का डोज बहुत कम था जिससे रिदम और उसके पेट में पल रहा बच्चा दोनों ही सेफ है। अजय भी अब धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा था यानी बच्चे की तरह प्लेफुल हो गया था। इस पॉइंट पर रिदम फाइनली अजय को वो पेंगुइन वाली स्टोरी कंप्लीट करके बताती है जो कि वो 6 साल पहले अजय को सुनाया करती थी। और इस स्टोरी में हम देख सकते हैं कि रिदम और कोई नहीं बल्कि मदर पेंगुइन को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ गौतम भी कहता है कि अगर काथिर नहीं होता तो शायद अजय कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो ये भी कहता है कि पता नहीं एबी अपनी लाइफ कैसे जिएगी क्योंकि काथिर तो मर चुका है। बट यहाँ रिदम कहती है कि एबी अकेली नहीं होगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है और वो अपने लाइफ से मूव ऑन कर चुकी है, यानी जो पास्ट में उसके साथ हुआ उससे, और वो अपने बच्चे के साथ आगे फ्यूचर में अपनी जिंदगी बिताएगी। साथ ही रिदम कहती है कि हम सब एबी के सपोर्ट में तो हैं। गौतम कहता है कि एक माँ बहुत ही स्पेशल होती है उसके रिलेशनशिप में, लेकिन रिदम कहती है कि ये रिलेशनशिप नहीं एक एटीट्यूड है। नाउ मूवी के फाइनल सीन में रिदम को बच्चा हो जाता है, जहां डॉक्टर कहते हैं कि रिदम काफी लक्की है कि उसका बच्चा हो गया, मतलब इतना कुछ हो जाने के बाद भी। लेकिन गौतम कहता है कि नहीं, रिदम लक्की नहीं, बच्चा लक्की है क्योंकि उसके पास एक ऐसी माँ है जो कि इतनी ब्रेव है और उनमें कोई डर नहीं है। यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी पेंगुइन फिल्म की कहानी एंड एज यू कैन सी इस फिल्म में एक माँ के लव को दिखाया गया है अपने बच्चे के प्रति। I mean, अजय के गायब होने के 6 साल बाद तक रिदम उसे भूली नहीं थी। भूलना छोड़ो, वो अब तक अजय को खोज रही थी इस होप में कि अजय उसे जरूर मिल जाएगा, एंड इनफैक्ट अजय उसे मिल भी जाता है। अब इस फिल्म में एक अलग बात यह है कि यहाँ हम दो विलन्स को देख पाए, एक तो डॉक्टर डेविड जो कि ऑर्गन्स वगैरह यूज करता था बच्चों के, लेकिन एक दूसरी विलन भी थी भावना जो कि रिदम से बहुत जलती थी। तो हाँ, कहानी में एक पॉइंट पे लगता है कि हमें विलन पता चल गया है, लेकिन एक ट्विस्ट जरूर था। मोरओवर एक पॉइंट पे एबी पे भी थोड़ा शक होता है, लेकिन नहीं, एबी तो खुद एक विक्टिम थी, उसका पति मारा गया भावना द्वारा। इन बातों के अलावा मूवी में कुछ खास थ्योरीज नहीं है, तो इस एक्सप्लेनेशन को हम यहीं पे खत्म करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी जरूर दबा दीजिए, क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।